टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा जिले से फरार चल रहे अपराधियों, इनामी बदमाश, स्थायी वारंटियों व अवैध हथियार लिए घूम रहे आरोपियों की धर पकड़ के लिए विशेष अभियान जिले के समस्त थानों में चलाया जा रहा है। इसी के तहत मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीकमगढ़ शहर के मोटे मोहल्ले से प्लास्टिक की पॉलीथीन में 1250 ग्राम गांजा जब्त किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 420-19 धारा 820 NDPS का एक्ट कायम कर लिया गया है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। कल दिनांक 30/5/19 को करीब मुखबिर के थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि बाबा उर्फ यूसुफ मुसलमान निवासी सेल सागर मोटे के मोहल्ले में सहनाज खान के घर के चबूतरे पर बैठकर अवैध गांजा बेच रहा है। जो सूचना पर मुखबिर की सूचना पर मैं हमराई बल को मौके पर रेड कार्रवाई की। रेड कार्रवाई में मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर बाबा उर्फ यूसुफ मुसलमान अवैध गांजा प्लास्टिक के थैले में रखे हुए मिला, जिसके संबंध में उससे लाइसेंस वगैरह पूछताछ की गई, जिस पर कोई लाइसेंस नहीं होने पर गांजा 1 किलो 250 ग्राम गांजा अवैध रूप से पाए जाने पर मौके पर जब्त किया गया एवं उसे गिरफ्तार कर थाना लाया गया और उसके विरुद्ध धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया, जिसे प्रत्यक्ष मान्य न्यायालय पेश किया गया। अच्छा, जो अपराधी पकड़ा है, क्या ये आदतन गांजा बेचने वाला है? ये तो पहली बार इसको पकड़ा गया, लेकिन इससे पहले जिसके चबूतरे पर ये बेच रहा है सेना, उसने भी पहले पूर्व में NDPS के तहत कार्रवाई की गई।